रविवार किशन ने जनवरी सभा को संबोधित किया। सिद्धार्थ नगर जिले में गोरखपुर से भाजपा सांसद अभिनेता रविवार किशन ने रोड शो किया। डुमरियागंज विधानसभा से शुरू हुए इस रोड शो का इटवा विधानसभा क्षेत्र में जोरदार स्वागत किया गया। इटवा विधानसभा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के पक्ष में वोट करने के लिए रविवार किशन ने लोगों से अपील की। इटवा के महादेव घुड़ पर आयोजित जनसभा को भी रविवार किशन ने संबोधित किया। रविवार किशन के इस रोड और जनसभा को लेकर भाजपा के प्रत्याशी सतीश द्विवेदी ने कहा कि इस बार पूरी तरह योगी और मोदी की लहर चल रही है। स्थानीय जनता क्षेत्र और यूपी के विकास को देखते हुए दोबारा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए आतुर है। सतीश द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इटवा को शून्य से शिखर तक पहुँचाया है, यही उनकी जीत की जमानत है। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। जाहिर है जिस तरह से चुनाव नजदीक आता जा रहा है, जो माहौल है, माहौल पूरी तरह से आपके पक्ष में दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इटवा की जनता ने 2017 में जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर, मुकदमेबाजी की राजनीति से ऊपर उठकर, इटवा जो पिछड़ा हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़ी विधानसभाओं में से एक था, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इटवा के विकास के लिए वोट दिया था। और इटवा की उस अपेक्षा को मोदी योगी की सरकार ने, उनके बेटे, उनके विधायक सतीश द्विवेदी ने पूरा करने का प्रयास किया है। जिस इटवा में एक भी नगर पंचायत नहीं था, आज इटवा बिस्कोर नगर पंचायत है। जहां एक भी राजकीय इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज नहीं था, आज दोनों बन रहा है, बन गया है। इटवा में पशु अस्पताल बन गया, इटवा में चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, इटवा में ITI पॉलिटेक्निक बन रहा है, इटवा में रोडवेज, फायर स्टेशन और मिनी स्टेडियम बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इटवा की जनता ने देखा है कि जो काम पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, वो इन 5 सालों में हुआ है। इसलिए आज इटवा मेरे साथ खड़ी है, मुझे आशीर्वाद दे रही है और पिछली बार से अधिक मतों से जीत कर इटवा से जाऊँगा, ये मुझे भरोसा है।